अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने टाइम चैप्टर कंप्लीट किया है, इसकी एक्सरसाइज किए थे पिछले लेक्चर में हमने। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और आप इसे लर्न करके अपने नोटबुक पे उतारेंगे। तो क्वेश्चन नंबर वन है, विच मंथ्स हैव 30 डेज। मैंने आपको एक पॉइंट भी करवाया था जिसमें आपको बताया था कि कौन कौन से महीने में 30 डेज है और कौन से महीने में 31 डेज है। यहाँ पे वो महीना लिखना है जिसके 30 डेज होते हैं, वो है अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर हैव 30 डेज। इसके बाद है विच मंथ्स हैव 31 डेज। 31 कौन से महीने में होते हैं? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर हैव 31 डेज। ये हो गया 30 और 31 डेज वाले मंथ, आपको लर्न करना है। इसके बाद ये दो क्वेश्चन मैंने आपके ऊपर छोड़ा है, आपको खुद करना है। व्हाट डे इज इट टुडे? आज कौन सा दिन है ये आपको लिखना है। जिस दिन आप लिखेंगे उसी दिन को आपको लिखना है। टुडे इज संडे, टुडे इज मंडे, टुडे इज ट्यूजडे, जो भी है वो आपको लिखना है जिस दिन आप लिखोगे। व्हाट डे विल इट बी टुमारो? कल, इसके बाद कल कौन सा डे होगा वो भी आपको लिखना है। अगर आज मंडे हो तो कल ट्यूसडे होगा, आज संडे हो तो कल मंडे होगा, इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पे आज जो आज लिख रहे हो आप वो दिन लिखना है, आप कल आने वाले दिन को यहाँ पे लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू डेज एंड नाइट ओकर? डे एंड नाइट कैसे बनते हैं? डे एंड नाइट कैसे बनते हैं पता है? डे एंड नाइट हमारे अर्थ जो है वो घूमते रहते हैं, सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं जिसको रोटेशन कहते हैं, उसी की वजह से डे एंड नाइट बनते हैं। अब आपको मैं एक एग्जांपल की तरह बताती हूँ। आप इधर देखिए, मैंने यहाँ पे एक बॉल लिया है, मान लो कि ये हमारा अर्थ है, क्योंकि हमारा अर्थ तो बिल्कुल सर्कल तो नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ था ही नहीं तो ये बॉल थे, तो हम इसी की मदद से आपको दिखाएंगे कि अर्थ जो है वो रोटेट करते हैं, अर्थ जो है वो घूमते रहते हैं सन के इर्द गिर्द। तो घूमते घूमते जब सन की लाइट पड़ती है, आप देखो यहाँ से लाइट पड़ रही है, मान लो कि ये सन है, तो यहाँ से सन की लाइट पड़ रही है, आप देख रहे हैं जहाँ पे लाइट पड़ रही है वहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे सन की रेस पड़ रही है वहाँ पे डे होंगे। और इसी तरह घूमते घूमते ये घूमते घूमते अर्थ जो है फिर आधे से पार्ट पे लाइट पड़ती है वहाँ पे डे होते हैं, और जिस पार्ट पे लाइट नहीं पड़ रहे हैं, अभी देखो लाइट इस साइड, इस साइड पे लाइट पड़ रही है और यहाँ पे मान लो डे है। अब अर्थ जब घूमते घूमते यहाँ पहुँच जाएंगे तो इस साइड पे डे होगा और पिछले इस वाले साइड पे नाइट होते हैं। तो इस तरह से अर्थ की रोटेशन की वजह से, रोटेशन अर्थ इस तरह से घूमते इसको कहते हैं रोटेशन, जिसकी वजह से डे एंड नाइट बनते हैं। यानी डे एंड नाइट जिस पार्ट पे सन की रेस पड़ती है वहाँ पे डे होंगे, और जिस पार्ट पे सन की रेस नहीं पड़ रही यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा, नाइट होगा। तो इस तरह से डे एंड नाइट बनते हैं। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन आंसर। इसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ है, टेल द टाइम इन ईच क्लॉक। यहाँ पे इस क्लॉक में आपको टाइम बताना है। वन इज़ डन फॉर, यहाँ पे टाइम दिखाया है 3 बज गए हैं, यहाँ पे कितना बचा है ये आपको खुद भरना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे टाइम कितना हुआ है ये आपको भरना है, और भर के आप लोग अपना रिस्पॉन्स मुझे दे देंगे हमने किया है, ये आपको करके दिखाना भी है।